सो हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सौरभ जोशी का जो 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट होते होते रह गया, उसकी एक्चुअली में सच्चाई क्या है। यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक्चुअली में गलती किसकी थी। यहाँ पे सौरभ जोशी की गलती थी या फिर वेदर की गलती थी या फिर उनकी लापरवाही की वजह से ये क्रैश हुआ था। ठीक है गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इस क्रैश के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं कई सारी क्रैश के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, इसी वजह से मुझे पता है कि काफी सारे क्रैशेस किस वजह से होते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सौरभ जोशी ने जो वीडियो अपलोड की है ना, उसके अंदर उन्होंने खुद ही कहा है कि उनकी गाड़ी की स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर की, और उनके डैश कैम के अंदर भी मतलब कि 100 किलोमीटर की स्पीड रिकॉर्ड हुई होती है। अब यहाँ पे एक्चुअली में मेन मुद्दे की बात क्या है पता है आपको? हाईवे के ऊपर 100-120 की स्पीड तो नॉर्मली होती है हर एक गाड़ी की, पर उनका कहना ये है कि सबसे पहले टायर फटा और उसके बाद गाड़ी स्किड हुई, जबकि यहाँ पे पहले गाड़ी स्किड हुई उसके बाद टायर फटा था। वो किस तरीके से, मैं आपको सभी चीजें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक्चुअली में बारिश हो रही होती है और 100 की स्पीड पे ये चल रहे होते हैं, इसी वजह से उनकी गाड़ी सबसे पहले आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्किड होती है, उसके बाद वो साइड की रेलिंग से टकराती है और तब जाके उनका टायर फटता है। अब मैं इस किस बेसिस पे कह रहा हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि 100 की स्पीड कोई नॉर्मल नहीं होती, चाहे आप हाईवे पे चलो या फिर नॉर्मल रास्तों पे चलो। ठीक है गाइस, 100 की स्पीड में अगर आपका टायर फटेगा ना, तो सबसे पहले गाड़ी पूरी तरीके से पलट जाएगी। इस चीज को खास तरीके से नोटिस करना, क्योंकि अगर बाइक हो या फिर कोई गाड़ी हो या फिर कोई बस भी होगी या फिर कोई ट्रक भी होगा ना, तो अगर 100 की स्पीड पे उसका टायर फटेगा या फिर टायर ब्लास्ट होएगा तो पूरी तरीके से पलट जाएगा सबसे पहली बात। और इस वीडियो क्लिप में आप साफ से देख सकते हो कि उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्किड हुई है सबसे पहले, उसके बाद वो जाके सीधी रेलिंग पे टकराई है। रेलिंग पे जैसे ही उनकी गाड़ी टकराती है वैसे ही पीछे का बम्पर टूट जाता है और उनका जो पीछे का टायर होता है वो भी उसके साथ बचता है, जिसकी वजह से वो टायर ब्लास्ट हो जाता है वहीं पे। और जब वो नीचे उतरते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि टायर फटने की वजह से ये क्रैश हुआ है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। वहाँ पे एक्चुअली में उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद टकराती है और उसके बाद वो टायर फटता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और गाइस, आप लोग अपना ओपिनियन भी जरूर से दीजिएगा, क्या मैं अपनी बात पे सही हूँ या फिर गलत हूँ। और साथ में आपका भी राय जरूर से दीजिएगा कि आपको क्या लगता है ये किस वजह से क्रैश हुआ था। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि इसी टाइप की वजह से ये क्रैश हुआ था। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको और भी अदर क्रिएटर्स के क्रैश के ऊपर ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।